हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सखी गार्डन। तो अब मैं देखिए, जो मैंने गार्डन से कटिंग निकाली है, ऑलमोस्ट बहुत सी कटिंग निकाली हुई है। ये देखिए, ये पड़ी हुई है हमारे पास सारी कटिंग, ढेर सारी कटिंग निकाली है। और यहाँ मैंने ली है आज अरबी, तो मैं अरबी को भी लगाने वाली हूँ। कल मैं इसको लगा दूँगी, इसको मैं ज़मीन में डालूँगी। मेरे पास पहले भी थे टेराकोटा, बहुत सी थी अरबी, तो आज मैंने ली है ये देसी अरबी, तो मैं कल इसको भी डाल दूंगी, गाड़ दूंगी। और यहाँ हमारी तमाम कटिंग है ये, तो मैं सारी कटिंग अब इन गमलों में लगाने वाली हूँ। तो देखिए मैं कैसे लगाती हूँ, मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें। तो यहाँ बहुत सी मैंने आज कटिंग निकाली थी, तो वो मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दी थी, पर मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा रेस्ट रहने के बाद पहले मैं कटिंग का काम कर लूँ, क्योंकि कटिंग ख़राब हो जाएगी। क्योंकि कुछ कटिंग है पानी में ठीक से चलती है, कुछ कटिंग है पानी में नहीं डाल सकते हैं। तो ये हमारे गमला यहाँ खाली पड़े हुए हैं, ये सब जल चुके थे, ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये देखिए इसमें स्पाइडर प्लांट लगा हुआ था, ये पूरा जल चुका है बुरी तरीके से। ये देखिए इस बार इसमें प्लांट ख़राब हुए हैं, कि बस क्या मैं बताऊं, बस रोना ही आया और कुछ नहीं। बाकी सबको ठीक तो करना ही है, वो अगर चोट भी लग जाती है तो उसका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर करता ही है। बड़े बड़े घाव से ठीक हो जाते हैं, तो हमारे सारे प्लांट भी अब मैं ठीक कर लूँगी। तो ये सारे गमले खाली हो चुके हैं, फिर जल चुके हैं, अब मैं इसी में ही अपनी फ्री की ही बस ये कटिंग लगा दूँगी, जो हमारे पास मैंने अभी निकाली है अपने ही गार्डन से। और मैं कुछ अपने पड़ोसियों को, कुछ अपनी फ्रेंड सर्कल को भी दे दूँगी, जिससे कि उनका भी घर उनका हरा भरा हो जाए। क्योंकि हमारे कुछ मिलने वाले ऐसे हैं गली में जो उनके पास कुछ है नहीं है, वो खरीद नहीं सकते हैं, इतना पैसा नहीं है जो बाहर से कहीं वो ले लें। तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनको दे देती हूँ, और मैंने कितने बार उनकी हेल्प की है, तो मैं अपने यही कटिंग उनको मैं दे दूँगी। और कुछ अपने पास से जो हमारी बोतल वगैरह खाली होती हैं, तो मैं गमले भी दे देती हूँ कि भाई अपने अपने घरों में लगाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर घर में हरियाली हो चारों तरफ। तो बहुत मज़ा आता है जिसके घर में जाऊँ वहाँ हरा भरा देखूँ, जैसे कि मेरा गार्डन है, ये देखिए सारा हरा भरा, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत ही अच्छा। तो अब तो वैसे ये अगला महीना सावन का हो जाएगा, उस सावन में तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी प्लांट होते हैं, मरे से मरे होते हैं, वो भी चल जाते हैं, वो भी सारे हरे भरे हो जाते हैं। तो मैं लगाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि हेल्प के लिए तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा कैमरा दिक्कत हो रही है। तो मैं अपना थोड़ा सा काम कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, जाना मत, ओके। तो फ्रेंड मैं ये वाला गमला मैंने चूज किया है, इस वाले गमले में है काफ़ी कटिंग लगा दे रही हूँ, सब एक एक लगा दे रही हूँ। जब कटिंग ये लग जाएगी तब तो फिर मैं इसको और कहीं शिफ्ट कर दूँगी। और ये मैंने इसमें एलोवेरा जेल लगा के किया है, वैसे मेरे पास फंगिसाइड भी है, रूटिंग भी है, तो एलोवेरा तो फ्री का ही होता है, ऑलमोस्ट सबके घर में ही होता है। तो आप जब भी कटिंग लगाएं तो इस तरीके से ये एलोवेरा को लें, और इस तरीके से इसका जेल लगा के, और ये पहले से ही आप होल कर लें। देखो मैंने ये उंगली से ये पहले से ही होल बना लिए हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, है ना, जिससे कि कटिंग लगाने में आसानी हो। तो मैंने ये ऐसे इसको सब मैं लगा दे रही हूँ, ये आसानी हो जाएगी इस तरीके से, है ना। तो कटिंग ये हमारी, मैं चार प्लांट हैं, ये चार कटिंग लगा दे रही हूँ इधर में इस तरीके से, है ना। कुछ कटिंग तो मैंने इसमें लगा दी है, और तीन चार तरीके की कटिंग लगाई है, ये देखिए, और कुछ मैंने इसमें कटिंग लगा दी है। ये सारे फ्री का ही अपना गार्डन बना रही हूँ, और अभी मेरी फ्रेंड आने वाली है, उसको मैंने बोला है तू भी कटिंग ले जा मेरे पास से, तो वो भी लगा रही है। तो ये गमला भी मेरा खाली है, इसमें भी लगाऊंगी मैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने ये नीम खली है और बर्मी कंपोस्ट है ये थोड़ा सा मिलाया है, क्योंकि ये मिट्टी मेरे को ठीक नहीं लग रही थी, वैसे भी रेनी सीजन में बेलडन मिट्टी चाहिए, थोड़ा सा रेतीली हो, और मिट्टी अच्छी हो, अगर मिट्टी अच्छी होगी तो प्लांट अपने आप में उसमें चल जाएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी इसमें बजरी डाल दी है, जिससे कि पानी आराम से निकल जाएगा, और ये मैं इसमें
मिट्टी भर दे रही हूँ तो कुछ इसमें लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं काफ़ी कटिंग रेडी कर रही हूँ, तो फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं एक हाथ से काम नहीं कर पा रही हूँ, कैमरा पकड़ना पड़ता है ना, तो मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इतनी फ्रेंड कटिंग मैंने लगा दी है, ये देखिए सारे में चार पांच तरीके का डाली है, हर गमले में जब लग जाएगी तब शिफ्ट करूँगी। तो ये देखिए इसमें भी हो गई है, और ये टूटे गमले थे, ये निकले हुए हैं सभी, ये कभी खाली हो गए हैं, तो ये खाली गमले तीन और रह गए हैं, इनकी मिट्टी मैंने इसी में डाल ली है, और इसी में मैंने बर्मी कंपोस्ट और नीम खली थोड़ा मिला ली है, बाकी और कोई फर्टिलाइजर मैंने अभी नहीं दिया है, बस यही मिला करके इसमें हमारी ये वाली कटिंग लगाऊंगी, और ये मोर पंखी की लगाऊंगी, क्रिसमस ट्री की लगाऊंगी, ट्राई करूंगी। वैसे ये बहुत स्लो चलेगी, ये जल्दी से लगती नहीं है, काफ़ी स्लो स्लो चलेगी, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट मैं इसकी ट्राई करूंगी, ज़रूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने मोर पंखी जो थी मैंने सीड से लगाई थी, हमारे यहाँ सीड लगे हुए थे, मेरे जो है ना दो इधर में प्लांट लगे हुए हैं, दो इधर लगे हुए हैं, जब बड़े बड़े हो गए थे ना तो उसमें सीड काफ़ी अच्छी होती है, तो वो मैंने निकाली और मैंने सीड से ही सीडलिंग की थी, तो उससे काफ़ी प्लांट बना लिए थे और दे भी दिए थे लोगों को, बट मैं आज कटिंग से लगाऊंगी। तो रूट मारमोहन्स के लिए तो मैं ये एलोवेरा है, बस एलोवेरा लगा करके और सारे में लगा रही हूँ, ये देखिए मैंने जितने अभी लगाए हैं तो मैंने इसी से ही लगाए हैं, और मैं इसी से ही अब तीनों ये डिब्बे और फिल कर दूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल फ्रेंड जा रही है, बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, आज काफ़ी टाइम हो चुका है ये काम करते हुए, तो बैटरी भी ख़त्म हो रही है, बस मैं सोच रही फटाफट जल्दी इसको कर लूँ, नहीं तो बैटरी चली जाएगी और वीडियो अधूरी रह जाएगी। तो फ्रेंड साथ में बने रहिएगा, एंड इसमें मैं ये थोड़ा सा कैंची से होल कर ले रही हूँ, जिससे कि आराम से ये लग जाए, और ये मैंने ये देखो ये क्रिसमस ट्री का जो सूखा हुआ पार्ट था वो मैंने निकाला है, और मैं इसको अब ये एलोवेरा है, एलोवेरा से पहले तो मैंने इसका अच्छे से जेल लगा दिया है, और अब मैं इसी में ही करके इस तरीके से इसको डाल दे रही हूँ, थोड़ा अंदर तक डाल दूँगी ऐसे आराम से इसी के साथ, इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया है, एलोवेरा के साथ में डाला हुआ है, और साइड साइड में इसके ये वाले डालूंगी। फ्रेंड बने रहिएगा, सपोर्ट बनाए रहिएगा। तो ये फ्रेंड ये वाला पार्ट्स जो सूखे सूखे पार्ट थे वो तो मैंने सब निकाल दिए हैं क्रिसमस ट्री के, और बस ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं कटिंग फर्स्ट बार लगा रही हूँ, मैंने पहले ये वाली कटिंग कभी नहीं लगाई है, बस ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ ये लगती है या नहीं, वैसे तो ऑलमोस्ट लग ही जाना होती है, रेनी सीजन भी है और रूट हार्मोन्स भी अच्छा है, क्योंकि मैं एलोवेरा के अंदर ही इसको नीचे से पैक करके और बस ये मैंने होल बना रखा है, मैं इसमें ही इसको ऐसे करके रख दे रही हूँ, ये देखिए ये वैसे पता है प्याज का भी रूटिंग हार्मोन बहुत बढ़िया होता है, आप प्याज के साथ भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप प्याज के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें कर दिया है, अब हमारा रह गया है ये मोर पंखी, तो एक मैं ये मोर पंखी भी इसी में ये डालने वाली हूँ, तो अभी इसमें जेल लगा लूँ फ्रेंड, क्योंकि ये खास से काम नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड ऑलमोस्ट हमारी फाइनल कटिंग लग चुकी है, ये देखिए आपके सामने मैंने सारी कटिंग लगा दी है, और कई तरीके के प्लांट हैं, जब ये सारे लग जाएंगे फिर मैं इनको जगह जगह शिफ्ट कर दूंगी, तो हो गई ना फ्री में इतनी गार्डनिंग। ऐसे ही आप अपने घर में, आप पड़ोसियों से कहीं से भी अपने थोड़ा सा बस कटिंग मांग लाएं, और ये रेनी सीजन चल रहा है इसमें फर्स्ट क्लास आपकी कटिंग लग जाएगी। और रूटीन हार्मोन्स के लिए अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो हल्दी का आप यूज कर लें। और अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, इसमें हमारा फंकी साइड जो था इसमें बोतल में, तो अब मैं इसी से ही इसका स्प्रे कर दे रही हूँ, क्योंकि आजकल है रेनी सीजन में बहुत डर लगता है फंगल अटैक होने का, तो ये इस तरीके से, क्योंकि अभी मैंने कटिंग लगाई है ना, तो इसमें मैं वैसे ही पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मिट्टी थोड़ी सी गीली है, तो बस
स्प्रे करूंगी मैं, तो ये स्प्रे मैं कर दे रही हूँ, तो फ्रंट ठीक है। और अब ये मेरा फाइनल हो गया है और बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है। आपने आज मुझे बहुत सपोर्ट किया सारे फ्रेंड ने मिल करके, तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और फिर आऊंगी आपके साथ। ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय, लव यू फ्रेंड, लव यू।